हेलो दोस्तों, मैं हूँ चंदन। अगर आपको बोलना होगा ऐसा कि तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा या फिर वह कंजूस है, ऐसा बोलना पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे और स्पोकन के लिए यूज कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ, उसके बाद बेस्ट एग्जांपल है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पे है सब्जेक्ट, उसके बाद है शैल विल, फिर हैव, उसके बाद है टू, फिर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट। अगर हमें बोलना होगा उससे रोना पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट पहले यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे उससे, उससे मतलब ही रहे या फिर शी रहे, ठीक है, या फिर वह बॉय रहेगी, फिर या फिर गर्ल रहेगी, ठीक है, उससे रोना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे सी विल हैव टू क्राई या फिर वीप, ठीक है, सी विल हैव टू क्राई या वीप, या फिर सीता को रोना पड़ेगा तो फिर सीता विल हैव टू क्राई या फिर वीप, ठीक है। क्राई हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह मॉडर्न इंग्लिश है, इसलिए क्राई का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वीप का यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। आई वी होता है तो सेल का यूज़ करेंगे, और ही सीट नेम और अदर रहेगा तो विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मैं एक टीचर हूँ और मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा, ठीक है, या फिर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, तो आई शैल हैव टू इंक्रीज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इंक्रीज द सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर ही यूज करेंगे, द नहीं, मतलब कि सिर्फ एक नहीं यूज करना, ठीक है, तो यूज करेंगे हम यही बोलने के लिए आई शैल हैव टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर या फिर सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अगर एक बढ़ाना तो द सब्सक्राइबर यूज करेंगे, और बहुत सारा बढ़ाना तो फिर द का यूज नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर्स डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाना पड़ेगा, मतलब कोई लड़का है मुझे बोल रहा है आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो वो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, यू सब्जेक्ट में हो गया यू, फिर हो गया विल, ठीक है, यू विल हैव टू टीच, मतलब कि आपको श्याम को पढ़ाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, यू विल हैव टू टीच श्याम, ऑब्जेक्ट में हो गया क्या ऑन हो गया श्याम हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ ताकि समझ में आए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और भी यूज कर सकते हैं बहुत तरह के, जो थंबनेल में है उसका मैं पहले ट्रांसलेट कर लेता हूँ मैं। और ये थंबनेल का वर्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें रोना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो हो गया पहले से ही, तुम्हें एक दिन रोना पड़ेगा, तो बोलेंगे हम लोग यू विल हैव टू क्राई वन डे, ठीक है, ऐसा बोलेंगे यू विल हैव टू क्राई वन डे, तुम्हें पछताना पड़ेगा तो यू विल हैव टू रिपेंट, आर ई पी ई एन टी, ठीक है, आर ई पी ई एन टी, ठीक है, तुम्हें कहना पड़ेगा यू विल हैव टू से, वह कंजूस है तो ही इज माइजर या फिर अस्ट्रेट होता है, ठीक है, इसका स्पेलिंग, ठीक है, STRAIT है, अस्ट्रेट मतलब होता है कंजूस या फिर MISER, तो आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।